बस बस बराबर। सचिन। हाँ, दादानु गीत मारे गाऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, प्रेम प्रेम नु अमृत पावूं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, दादा भजननी रड़ मनी दादा भजननी रड़ मने लागी, भक्ति रस माना छे, भक्ति रस माना ऊँचे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, भवसागर मानैया मारी डोली, भवसागर मानैया मारी डोले, सामे किनारे मारी जाऊं छे, सामे किनारे मारे जाऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, जीवन मारू बनी युवकारु, जीवन मारू बनी युवकारु, दादा चरण मारे ऊँचे, दादा चरण मारे ऊँचे, दादानु गीत मारे गाऊँचे, दादानु गीत मारे गाऊँचे, दादा तमारी आज्ञा रहिनी, दादा तमारी आज्ञा रहिने, ज्ञानामृत ज्ञानामृत मारे पीऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, दादा वितरागिनी दीक्षा पामी, दादा वितरागिनी दीक्षा पामी, दादा जेऊ मारी ताऊ छे, दादा जेऊ मारे थाऊ छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, प्रेमनु अमृत पाऊं छे, प्रेमनु अमृत पाऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, दादानु गीत मारे गाऊं छे, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नुकलम बोलो।
लिखो। हाँ जय सचिदानंद। मैं दादा भगवान मैंने कोई पन देहधारी जीवात मानो किन शिल्प मात्र पन अहम न दुबे न दुबार के दुबा प्रतेना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो मैंने कोई पन देहधारी जीवात मानो किन शिल्प मात्र पन अहम न दुबे एवी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन अने स्यादवाद मनन करवानी परम शक्ति आपो। दादा भगवान मने कोई पण धर्म नो किंचित मात्र पण प्रमाण न दुभाय न दुभावाय के दुभावा प्रत्येना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। मने कोई पण धर्म नो किंचित मात्र पण प्रमाण न दुभाय एवी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन स्यादवाद मनन करवानी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान मने कोई पण देवाय उपदेशक साधु साध्वी के आचार्य नो अवर्णवाद अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान मने कोई पर देधारी जीवात मनो किंचित मात्र पण अभाव तिरस्कार क्यारे पण न करे न करावे के करता प्रत्ये न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान मने कोई पर देधारी जीवात मा की साथे क्यारे पण कठोर भाषा तंतीली भाषा न बोली जाए न बुलवाई जाए के बुलवाना प्रत्ये न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। कोई कठोर भाषा तंतीली भाषा बोले तो मने वधु रुचि भाषा बोलवानी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान मने कोई पण देहधारी जीवात्मा प्रत्ये स्त्री पुरुष गण पोषण तम्मे ते लिंगधारी हो तो तेना संबंधित किंचित मात्र पण विषय विकार संबंधी दोषो इच्छाओ चेष्टाओ के विचार संबंधी दोषो न कराय न करावे के करता प्रत्ये न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। मने निरंतर निर्विकार रहेवानी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान मैंने कोई पण रसमा लुप्पी पण न कराय एवी परम शक्ति आपो। मैंने समरसी खुराक लेवाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मा नो प्रत्यक्ष कर परोक्ष जीवन गम मृत्यु पामेला नो कोई नो किंचित मात्र पण अवर्णवाद अपराध अविनय न कराय न करावे तो करता प्रत्ये न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान मने जगत कल्याण करवाने निमित्त बनवानी परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। ओके सुजात्मा प्रति प्रार्थना श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा अब दरेक जीव आत्मा विराजमान छो तेमज मारा मा पर प्रकट स्वरूपे विराजेला छो। આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું અજ્ઞાનતા કરીને મેં જે જે દોષો કર્યા છે તે સર્વે દોષોની આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પાર્થું છું હે પ્રભુ મને ક્ષમા કરો ક્ષમા કરો ક્ષમા કરો અને ફરીથી એવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું એવી આપને પરમ શક્તિ આપો હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય ને અભિદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય હું હમ તમારામાં અભિદ સ્વરૂપે તમને આકાર રહીએ જય સચિદાન જય સચિદાન જય શ્રી કાંતિયાનંદજી તમે હા જય સચિદાન અંદર દેખાવ છું પાછળ હોય ને એટલે બાજુ આગળ આવી જાઉં થેન્ક યુ કાંતિયાજી હું કહેવાનો જ હતો હા સત્રી બંધ બોલાવો કાંતિયાજી હા એક મિનિટ ઓકે ઓકે ફાઇન નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણં નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં
नमो हरियाणम नमो उवजायाणम नमो उवजायाणम नमो लोई सव साहुणम नमो लोई ऐसो पंचन मुकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। श्रेया आज खाना नहीं खाया? नहीं खाया है ना? नहीं ऐसा लगता है, जाओ वापस खा के आओ। आवाज ही नहीं आता है आपका। ओके मोनिका डेली प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी की जीव मात्र की सेवा में ही करूँ, जो की श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति की मामी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूं। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं तुरंत निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, इसलिए आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम आपके बच्चे। हम आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। Okay, very, very good. Okay, separation prayer, Daksh. Hey, Shradmana Dhamman Apalago, Daksh Lage. Hey, Shradmana Dhamman Apalmanendo, Daksh Temporary. Hey, Shradmana Dhamman Apadiyado, Daksh Relative Hedge, Shukranan. ओके जय सच्चिदानंद। आज रिपोर्ट किसने भेजा है? दोनों रिपोर्ट किसने भेजा है? दोनों रिपोर्ट दक्ष दादा दोनों ने भेजी। हमने पूछा दोनों रिपोर्ट किसने भेजा है? किसी ने नहीं भेजा है। एक रिपोर्ट किसने भेजा है? ओके ओके तो आज आपको कुछ बोलना पड़ेगा। मोनिका, व्हाई डिडंट यू सेंड योर रिपोर्ट?
You don't like the report, you like the report. उसके थोड़ा ऐसे बोलो. मैंने रिपोर्ट के लिए टाइम निकालती हूँ आज मैंने निकाला था बट वो इंप्रूवमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसलिए मैंने कहा दादा से पूछ कर लिखूंगी इसलिए और वो पहला रिपोर्ट भी सेंड करना था वो मुझे पता नहीं था. बोलो आगे आगे बोलो. इस रिपोर्ट इम्पोर्टेंट नॉट बेनिफिशियल टू मी बेनिफिशियल होगी बोलो जल्दी जल्दी. नहीं why बोलो जल्दी जल्दी ऐसे है ये जहाँ मैं अपनी गोल के लिए किस जगह पे और कैसा मेरा स्टेटस है वो बताता है और उससे मैं इजीली ट्रैक कर लेती हूँ कहाँ मेरा ग्राफ नीचे है या फिर ऊपर है रिपोर्ट डेली. मैंने भेजा है रिपोर्ट. आप कैसे पूछा हम बोला why I need to write a report is it beneficial to me is not beneficial to you it's time consuming I like it I benefit उन लोग को ऐसे नहीं बताते आप. हाँ वो report हमारे लिए beneficial है क्योंकि हम हमारा daily का track रख सकते हैं और हमको नहीं लिखने का है मूड नहीं आता. नहीं, है लिखा है मैंने. बोलो ना कांति दादा इन लोग स्कूल में ऐसे रिपोर्ट नहीं बोला कि ऐसे बारे में ऐसे बोलो. हमारे तो बहुत टीचर तपास करते थे. लक्ष्य जय सच्चिदानंद मुझे रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करे और कहाँ कहाँ पे डाउन हुआ हूँ और मुझे जहाँ पे डाउन हुआ हूँ वहाँ पे उसको और अच्छे से करना है और उसको वो चीज अगली बार नहीं करना है. ओके इताक्षी आप तो नहीं लिख रहे कितना दिन से नहीं लिखा है. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बोलो. जी सचिदानंद मेरे इतने दिन एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैंने नहीं लिखा था और रिपोर्ट करने से मुझे ये फायदा होता है कि मेरा ग्राफ कहीं पर डाउन होता है तो मुझे पता चलता है तो मुझे उसमें पता चलता है कि इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. लास्ट कितने दिन से नहीं लिखा है? 1 week से. तो आपको कैसे मालूम पड़ गया कि आप किधर इम्प्रूव होने का है? So this is not important. That means it is not important, right? Right? हम नहीं लिखते तो इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट. और माई कंक्लूजन ऐसे होता है ना राइट. काशी भाई आपके साथ बात कर रहा हूँ. आई एम कंक्लूडिंग यू कंक्लूड द सेम थिंग. आप क्या कंक्लूजन में नहीं लिखते तो आप क्या कंक्लूजन लेगा? आप क्या कंक्लूजन लेगा एक वीक से नहीं लिखा है आप? देखो ये रिपोर्ट इज कांति दादा के लिए है क्या? मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए मैंने नहीं लिखा था. इस रिपोर्ट इज फॉर मी. नहीं मेरे है. दीपक दादा पर एग्जाम तो एग्जाम होता है तो रिपोर्ट तो लिखता है ना. एग्जाम और उसको क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम हो तो इसका रिपोर्ट लिखने का है कि अच्छी तरह से पढ़ाई किया था कि क्या करने का. या यू राइट रिपोर्ट फॉर होम. Cannot hear you. Monica, track किसके लिए लिखते हैं आप
हमारा डेली का ट्रैक रखने के लिए कि हमने क्या किया, क्या इम्प्रूवमेंट करना है. नहीं, वो नहीं, हमने पूछा किसके लिए करते हैं. के लिए. हाँ, तो हमको क्यों पूछना पड़ता है? Why I have to ask? और टीचर एक होमवर्क देते हैं तो टीचर पूछते हैं होमवर्क किसने किया नहीं किया, तो सबमिट करने का तो यू गोइंग सबमिट होमवर्क राइट. आई डोंट नो स्कूल में क्या सिस्टम है. श्रेया, टीचर पूछते हैं किसने नहीं किया, किसने किया ऐसा. नहीं, जिसने नहीं किया होता तो क्या करता है टीचर? डांट पड़ती है. क्या करता है? डांट पड़ती है कि क्यों नहीं किया, और फिर खड़े रहते हैं पूरा क्लास. वो तो अभी तो अभी कल से जो नहीं करता है उसका ऑन हेड कर खड़े करके सत्संग करेंगे, चलेगा? यू नो हेड स्टैंडिंग जिम्नास्टिक में आता है हैंड स्टैंडिंग. हाँ. ओके मोनिका. हाँ रिपोर्ट. किसके लिए क्या दे कंची दादा के लिए. हाँ मेरे लिए. दे वही इतना इंसेंटिव नहीं होता तो नहीं. इवन आप देखो सैटरडे संडे भी नहीं लिखते. व्हाई? यूट्यूब. You know, your business is 7 days a week. Studies में कभी छुट्टी नहीं मिलता है. जब आप कॉलेज के पास करके बाद में होगा तो बाद में स्टडीज में से छुट्टी मिलेगा. और दूसरा देन वर्किंग का बंधन आएगा. एनीवे कांति दादा बोलो, आप टीचर थे तो रिपोर्ट नहीं लिखते तो क्या करते थे आप? पनिशमेंट. यप, ये पनिशमेंट तो बच्चे लोग को तो नहीं इम्पोर्टेंट लगता है तो क्या करेंगे. अब बातें करो थोड़ा रिपोर्ट का. मतलब पूरा दिन क्या किया उसी के बारे में आप बता रहे हैं ना? राइट. रिपोर्ट की जो बात बता रहे हैं वो उन्होंने पूरे दिन क्या व्यवहार किया वही हम जानना चाहते हैं ना. हाँ, वो तीन ही गोल में है ना. वो घर से होमवर्क आते हैं क्या और स्केड्यूल बनाते हैं स्टडी का, बाद में हेल्थ का करते हैं क्या नहीं, सत्साधन करते हैं क्या नहीं, और इम्प्रूवमेंट क्या करने का, उतना ही देखने का होता है ना कांति दादा. अच्छा अच्छा अच्छा. ये तो बहुत जरूरी है. जो जो भी हुआ वो ऑनेस्टली लिखना है. बात सच में यह है, सत साधन किया नहीं किया, स्टडी किया नहीं किया, किया तो क्या टाइम है, वो सब लिखेंगे तो कहाँ और किस सब्जेक्ट पर जोर देना है वो भी पता चलता है. और एक अपने अंदर एक ऑनेस्टी पैदा होती है कि जो भी हुआ है उसको एज इट इज लिखना है. ठीक है, होमवर्क नहीं किया तो वो भी लिखना है, रीडिंग नहीं किया वो भी लिखना है, किया तो वो भी लिखना है. ठीक है, अगर उन्हें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं वो लोग. उनको क्या दिक्कत है,
रिपोर्ट लिखने में उनको क्या दिक्कत है या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वही शायद उन लोगों को पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कैसे मालूम पड़ जाएगा इम्पोर्टेंस, क्योंकि कैसे मालूम पड़ता है कि इम्पोर्टेंस इट्स रियली इम्पोर्टेंस फॉर योर लाइफ बिल्डिंग कैरेक्टर और व्हेन यू ग्रो अप इट विल बी वेरी 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 यूजफुल। कैसे पता चलता है ये एज? सबसे बड़ी बात तो अपना जो टाइम है, वक्त, उस टाइम का किस तरह पूरे दिन उपयोग होता है वो पता चलता है, और वेस्ट ऑफ टाइम का भी पता चलता है। हम पढ़ाई के बारे में, सत साधन के बारे में कितना सिंसियर है वो भी हमें दिखाई देता है। रिपोर्ट का मतलब है मेरी दृष्टि से अपने जीवन का आईना, मिरर, ठीक है? तो अभी देखो उससे रेगुलरिटी भी बढ़ती है। हाँ दादा, रेगुलरिटी क्या फायदा अभी होगा और फ्यूचर में होगा? बहुत फायदा है, क्योंकि जो वक्त है उस वक्त पर जो काम होना है और वो भी सिंसियरली होना है, ये बहुत जरूरी है। तो जितनी निष्ठा हमें हमारे जीवन पर होगी उतनी ही पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में आएगी। तो अगर रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो हमने हमारा वक्त, जो टाइम है, उसको कहाँ वेस्ट किया ये भी हमें पता चलता है। ताक्षी बा, आपको अभी आज की बात करो, स्कूल से आया और घर में अभी तक कितना टाइम आपने यूजफुल किया सब के वेस्ट भी किया? मैंने टाइम यूज किया था, okay. वेस्ट मैंने 1 आवर किया था सोने में। या तो वेस्ट का फायदा कितना हुआ? मैं थक गई थी तो थकान उतर गई, इतना फायदा हुआ सिर्फ। टाइम वेस्ट का कितना फायदा हुआ? फायदा तो नहीं हुआ। हाँ तो वो देखने का है, यू नो। ऐसे आइडली क्या करते हैं, वेस्ट कैसे करते हैं, क्या कैसे कर वेस्ट करते हैं? कुछ ऐसे नहीं, मैं सो गई स्कूल से आके, थक गई थी ना बहुत इसीलिए। तो वो वेस्ट नहीं बोलते, that is not waste because you are tired. क्यों tired हो गए थे आप? क्योंकि आज स्कूल में आप अच्छी तरह से खाते नहीं है, ये आप तो यंगस्टर्स है। मोनिका, did you waste today time? खेलने क्या था वो? हाँ, वही देखने का है ना, यू नो, टाइम वेस्ट में वो टाइम वेस्ट में क्या होता है कंती दादा? यू नो, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट यूजफुल हेल्पफुल टू यू ना। हम ऐसे नहीं बोलते कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नो, स्कूल एकेडमिक वो तो वेरी इम्पोर्टेंट है, यू टू बी सिंसियर इन दैट, बट
दूसरा भी बहुत चीज करने का होता है ना, मम्मी को हेल्प, ओके आज मम्मी को किसने हेल्प किया? क्या किया मम्मी को? दादा जब वो हम लोग आए थे बाहर से, तो गेट मम्मी से नहीं खुल रहा था, तो मम्मी ने, जब मैंने खोल के दिया था मम्मी को। ओ कितना बहुत बड़ा काम किया 5 मिनट के लिए, वो हेल्प बोलते हैं। और दादा दूसरा काम ये कर रहा था कि वो एक्टिवा गिर गई थी मम्मी से, तो उसको उठाई थी। देखो उसको टाइम एक्स्ट्रा, तो मम्मी को पूछा किसने क्या भाई, टैक्सी बा मम्मी को बोला कि हम टायर्ड है तो मैं आधा घंटा रेस्ट करती हूँ? हाँ मम्मी को बोला था। मैं मम्मी ने हाँ बोला। हाँ ओके दैट इज नॉट टाइम वेस्ट, ओके यू कैन नॉट वेस्ट इट। वेयर मम्मी को क्या कोई हेल्प किया आज? टाइम नहीं था आपके पास हेल्प करने का? हाँ तो ये जब टाइम मिलता है तो बहुत, मम्मी के पास तो बहुत सीखने को होता है। और मनिका हाउ वाज योर डे विद मम्मी टुडे? अच्छा दादा वो आज सुबह थोड़ा गुस्सा आया, बट मैंने बार नहीं पूछा। मम्मी पे कैसे गुस्सा कर सकते दादा? मम्मी ने मुझे पूछा कि क्या बनाऊं तुम्हारे लिए सुबह टिफिन में, तो मैंने कहा आप जो भी बना लो मैं खा लूंगी। तब मुझे एक इरिटेटिंग फील हुआ। मम्मी ने कहा तुम कुछ भी बनाती, तुम कुछ भी खाती भी नहीं हो, तो बता दो क्या बना। दैट इज व्हाई मम्मी इज आस्किंग यू, मम्मी नोज यू नो। हां कुछ भी बना तो खाती नहीं है, तो यू मस्ट से टेल हर। कितना अभी तो कितना दिन से एवरी डे सेम प्रैक्टिस, जो मम्मी को इजी लगता है वो बोल देने का, और आपको पसंद उसके सुबह ओछा बोलेगा मम्मी गुलाब जामुन बनाओ। हाँ तो इट इज, अब बोलेगा तो इट्स नॉट यूजफुल ना। मम्मी इतना दिन से बनाती है, आपको मालूम है कि मम्मी को जल्दी कितना टाइम होता है, तो बोलने का कि मम्मी ये बनाओ तो ये बना दो ये बना। और मम्मी सामने प्यार से पूछता है बिकॉज शी नोज यू आर वेरी फसी वुमन ईटिंग में, राइट राइट कांति राजेश, क्या मम्मी पूछती है तो बोलना मांगता है ना? हाँ और बोल सकती है मम्मी कैन आई हेल्प यू ऑल्सो, और आई विल मेक माय सेल्फ, वो तो बोल सकते हैं ना। टाइम होता है सुबह तो टाइम नहीं होता है ना। व्हाट मीन हाँ होते कि नहीं होते? एनीवे जरा थोड़ी जी जागृति रखो, ये कितना ये ना ये दादा का ज्ञान है, थोड़ी जागृति मांगता है, दैट्स इट। ठीक है ओके तो अभी से कल दे दो ना रिपोर्ट अपने लिए, और आपका भी रिपोर्ट लिखते मम्मी को दिखाते एक बार। श्रेया की, श्रेया की मम्मी तो बहुत ध्यान रखती है श्रेया की, इसलिए श्रेया को कुछ करने नहीं देती है, सब करती है। नो यू मस्ट शो योर रिपोर्ट टू योर मम्मी, ओके? दक्षा को भी मम्मी साथ में होती है ना, तो आपको तो मम्मी को सब पता होता है। हाँ ओके बस कीप मम्मी इनफॉर्म्ड। ओके जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।